Hello friends, welcome to my channel Easy Beezy. It's me Shudipta. Thank you for watching my channel. Please do subscribe my channel. If you like my videos, then please give me thumbs up and please leave comments for me. I want to know your views. Okay, मैं आज ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि आज मैं कुछ ऐसा दिखाने जा रही हूँ जो सबके लिए ज़रूरी है सबके लिए. It's all about eyes. नहीं, eye makeup नहीं है. डरिए मत क्योंकि आज मैं दिखाने जा रही हूँ आप अपने आँखों का कैसे टेक केयर करें. क्योंकि जैसे मेरे राइट आई में थोड़ा पावर है, जिस लोगों का पावर है वो लोगों को पता है थोड़ा हील करना ज़रूरी है हम लोगों का आईज़ को. जिन लोगों का पावर नहीं है फिर भी हम लोग पूरे दिन आजकल हर कोई अपने फ़ोन में लगे हुए रहते हैं या फिर लैपटॉप में कुछ करते रहते हैं या फिर लाइट्स में कुछ करते रहते हैं, तो आईज़ के ऊपर पूरा दिन प्रेशर जाता है. तो आज मैं दिखाने जा रही हूँ, जस्ट टू इंग्रेडिएंट लगेगा इसमें, एक नेचुरल आई ड्रॉप जो आपके आंखों को बिल्कुल ठंडा कर देगा. डरिए मत, इसमें कुछ हार्मफुल नहीं है. जो हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं अपनी आईज़ को ठंडा रखने में, वही हम आज यूज़ करेंगे. मेरा पहला इंग्रेडिएंट है रोज़ वाटर, क्योंकि रोज़ वाटर हम लोगों के आईज़ को काफ़ी सूदिंग रखता है, ठंडा रखता है, हील करता है. ये हम लोग ऐसे भी यूज़ करते हैं, तो मैं आज यूज़ करने जा रही हूँ रोज़ वाटर, जो मैं आज लेने जा रही हूँ डाबर गुलाबरी. एंड माय सेकंड एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट इज़ फॉरेस्ट हनी. यू कैन सी द कलर ब्लैक. एक्चुअली ये एक्चुअल में फॉरेस्ट हनी है. जो प्रोसेस्ड हनी हम लोगों को मिलता है वो यूज़ मत कीजिए. डाबर का ही आता है या फिर बहुत सारे ब्रांड है, वो मत यूज़ कीजिए क्योंकि उसमें देख सकते हैं आप, उसमें एक्सपायरी डेट होता है. जो ओरिजिनल हनी होता है, हनी कभी एक्सपायर नहीं होता, ये बहुत सारे लोगों को पता है. यूजुअली हनी 3000 साल तक ठीक रहता है. 3000 साल, इट्स नॉट अ जोक एक्चुअली. ये अपने आप में एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव इंग्रेडिएंट है और हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है. हम लोग हनी खाते हैं, लगाते हैं स्किन में. आईज़ के लिए भी हनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आई को बहुत अच्छे से हील करता है, ठंडा रखता है. सो, वो जो प्रोसेस्ड वाला बॉटल वाला हनी होता है उससे अवॉइड कीजिए. यूज़ ऑर्गेनिक हनी, फॉरेस्ट हनी. मैं लेने जा रही हूँ ये फॉरेस्ट ऑर्गेनिक हनी है. ये मैं ये यूज़ करने जा रही हूँ. बिल्कुल ब्लैक कलर में है, आप देख सकते हैं. और मुझे जो चाहिए इसके लिए एक छोटा सा ड्रॉपर वाला जो बॉटल मिलता है वो आपको कहीं भी मिल जाएगा इजीली. यूजुअली ऐसा ड्रॉपर वाला बॉटल हम लोगों को होम्योपैथ की मेडिसिन के साथ मिलता है, तो आप ऐसा कुछ आपको इजीली मिल जाएगा. अगर नहीं मिलता है तो मैं कहूँगी ऐसा कोई छोटे से डिब्बी में आप इसको स्टोर कर लीजिए. और एक क्लीन और हाइजीन होना चाहिए. एक ड्रॉपर रख लीजिए अलग से सिर्फ इसके लिए, जिसको आप गर्म पानी में अच्छे से वॉश कर लीजिए, फिर उसको अच्छे से रख दीजिए. उससे आप एक ड्रॉप करके अपने आईज में दे सकते हैं. देयर इज नो इशू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद माय वीडियो. तो मैं इसमें इस बॉटल में मैं डायरेक्टली मिलाने जा रही हूँ, क्योंकि अलग से बना के फिर इसमें डालने का कोई रीज़न नहीं है. मैं आपको डायरेक्ट इसमें दिखाती हूँ. पहले हम लोगों को ये गुलाब जल जो है, रोज़ वाटर, इसको डालना है. मैं इसमें 15 to 20 ड्रॉप्स डालने जा रही हूँ. डन. ये आप देख सकते हैं यहाँ तक भरा हुआ है. इसमें 15 to 20 ड्रॉप्स है. और अब मैं ड्रॉपर के ज़रिए ये जो फॉरेस्ट हनी है इसका मैं 8 to 9 or 10 ड्रॉप्स डालूँगी. सो मैं बस 10 ड्रॉप्स डालने जा रही हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Done. मैं इसमें ना ऐसे मिक्स कर रही हूँ, आप देख सकते हैं ड्रॉपर के ज़रिए. मैं इसको अंदर ले रही हूँ, बाहर छोड़ रही हूँ, ऐसे ऐसे. इससे अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा और मेरे ड्रॉपर के अंदर का जो जितना हनी है वो यूज़ भी हो जाएगा. As you can see, my eye drop is totally ready. ये totally healthy है, इसमें कुछ भी नहीं है बाहर का जो खराब है. ये आप आराम से अपने आईज पे ऐसे आप डाल सकते हैं. Done. बस 2 मिनट के लिए अपने आँख को बंद रखिए.
सी मैंने लगा लिया है 2 मिनट के लिए, मैं आंखें बंद रखी क्योंकि मुझे इसको अपने आंखों के अंदर अब्जॉर्ब करवाना था, क्योंकि निकलने लगता है. एज यू नो आई ड्रॉप हम जब भी लगाते हैं थोड़ा लेट के लगाते हैं, तो आप इसको रात में यूज़ कर सकते हैं. आप यूज़ कीजिए और जो मुझे बताइए कि आपका ये मिरेकल जो है मेरा आई ड्रॉप, ये आपके लिए कैसे काम कर रहा है, आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, आप प्लीज़ मुझे बताइए. ये बहुत अच्छा आई के लिए बहुत अच्छा है हनी. आप अगर चाहे हनी के जगह आप रोज़ वाटर के साथ क्यूकम्बर का जो जूस होता है उसे अच्छे से निकाल के उसे भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा होता है आंखों के लिए. और इसको फ्रिज में रखें, फ्रिज में रखने से ये ठंडा होगा, लगाने के बाद और भी आराम देगा, ये अपना कमाल तो दिखाएगा ही, ऊपर से ठंडा फीलिंग देगा आपको. आप चाहे तो हनी की जगह क्यूकम्बर जूस भी यूज़ कर सकते हैं. तो फिर वो इतना ही बनाइए ताकि हफ्ते या 10 दिन में ही ख़त्म हो जाए, आप फिर बना लें, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो लगता नहीं है, सिर्फ रोज़ वाटर एंड हनी. इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू यूज़ द हनी देन गो फॉर क्यूकम्बर जूस. सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. कीप सपोर्टिंग मी एंड प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़. प्लीज़ इससे पहले बहुत सारा वीडियोस दिया है मैंने, प्लीज़ वो जाइए और देखिए आपको कैसा लगा बताइए, और मेरे साथ रहिए. आई वॉन्ट योर सपोर्ट. थैंक यू फॉर एवरीथिंग.